यार लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको स्टाइलिश दिखाने के साथ आपको ठंड से भी प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली अगर आप स्किनी हो देन लेयरिंग इज अ बेस्ट फ्रेंड। पर गाइस मैंने पहले जो लेयरिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी वो मेनली था समर लेयरिंग के ऊपर। आज की वीडियो है गाइस ऐसे कुछ शर्ट्स के बारे में जिसे आप मेनली विंटर्स एंड फॉल सीजन में लेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो जब गर्मी थोड़ी सी कम होगी। हे एवरीवन, माय नेम इज सोमना सतपति, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोड स्टाइल। तो यार इस टाइम पे जो सबसे ट्रेंडिंग ऑप्शन है लेयरिंग में वो है फ्लैनल शर्ट्स। ये वो चेक शर्ट्स होते हैं जो मेनली ऊल या फिर कॉटन से बनाए जाते हैं। बेसिकली गाइस नॉर्मल चेक शर्ट एंड फ्लैनल शर्ट में मेन डिफरेंस होता है मटेरियल का। आपको फ्लैनल शर्ट्स में थोड़ा सा थिक मटेरियल देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल शर्ट्स। एंड अब जितना ज़्यादा स्पेंड करोगे पैसे को उतना ही बेहतर एंड सॉफ्ट फैब्रिक मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज गाइस आपको लेने कहाँ से है फ्लैनल शर्ट्स एंड किस फिट में लेना है। देखो यार जो स्लिम फिट एंड रेगुलर फिट वाले फ्लैनल शर्ट्स होते हैं वो आपको एक डैपर लुक देगा, एंड जो ओवरसाइज वाले फ्लैनल्स हैं वो आपको वो मेनली कैजुअल स्ट्रीट वेयर लुक में ही अच्छे दिखते हैं। तो आई वुड से आपका जो एग्जिस्टिंग वार्डरोब है आप उसके हिसाब से फ्लैनल की फिट चूज करो। मतलब अगर आपके पास स्लिम फिट टी शर्ट्स बहुत सारे हैं देन गो विथ स्लिम फिट और रेगुलर फिट फ्लैनल्स, एंड अगर आपके पास ओवरसाइज कपड़े ज्यादा हैं टी शर्ट्स वगैरह देन गो विथ द ओवरसाइज फ्लैनल्स। तो आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइज जो स्लिम फिट वाले फ्लैनल शर्ट्स हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे मिंट्रा पे। बेस्ट ब्रांड है द बियर हाउस, अफोर्डेबल है, क्वालिटी अच्छी है, काफी थिक एंड सॉफ्ट फैब्रिक है उसका, देन फिट अच्छा है, देन कलर ऑप्शंस एंड पैटर्न्स बहुत सारे हैं तो आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ये जो पर्टिकुलर पीस है रेड फ्लैनल शर्ट ये भी बियर हाउस से है, काफी अच्छी क्वालिटी एंड फिट है इसकी। मैं इसका लिंक एंड कुछ और शर्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक देम आउट। देन गाइस जो रेगुलर फिट वाले फ्लैनल्स है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है H&M, बट वहाँ पे जो फ्लैनल्स है वो बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। आई डोंट नो वो कभी रिस्टॉक होंगे या नहीं होंगे, बट जो ओवरसाइज फ्लैनल्स है उनके लिए गाइस मुझे एक परफेक्ट ब्रांड, एक बहुत ही अच्छा ब्रांड मिला है बकश कॉर्नर। उनका जो ओवरसाइज शर्ट वाला सेक्शन है उसमें आपको फ्लैनल शर्ट्स मिल जाएंगे, पर वहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी कम है एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट हैं। तो मैं बोलूँगा उनका जो वुमेन्स कैटेगरी है वहाँ पे भी एक ओवरसाइज शर्ट वाला सेक्शन है, उसे एक बार चेक कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड इफ यू आर थिंकिंग भाई लड़की के कपड़े हैं मैं कैसे पहन सकता हूँ, देखो यार कुछ क्लोथिंग आइटम्स यूनिसेक्स होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं होते, उसे लड़कियाँ भी पहन सकती हैं एंड लड़के भी पहन सकते हैं। एंड अगर आपको मेन सेक्शन में कुछ चीज़ें जैसे कि ओवरसाइज टी शर्ट एंड फ्लैनल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं अपनी साइज़ के, देन वुमेन सेक्शन में एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे शायद अवेलेबल होगा। एंड दोनों का साइजिंग वगैरह मेजरमेंट वगैरह सब इक्वल है। ये जो पर्टिकुलर पीस है गाइस ये मैंने वुमेन सेक्शन से ही लिया था एंड उसके कुछ दिनों बाद ये मेन सेक्शन में उन्होंने ऐड किया है। सो द पॉइंट इज अगर आपको मेन सेक्शन में कोई साइज नहीं मिल रहा है या फिर अगर आपको ज़्यादा वेराइटी चाहिए देन वुमेन सेक्शन भी एक बार चेक कर लेना, यू विल बी सरप्राइज्ड। इसके डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ 1200 में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसके, फिट अच्छा है, देन इट हैज़ अ ड्रॉप शोल्डर इफ यू लुक क्लोजली, देन इसका जो कलर कोऑर्डिनेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड मटेरियल में भी अच्छा खासा थिकनेस है। इसे गाइस आप इजीली टी शर्ट वगैरह के साथ लेयर कर सकते हो फॉर अ कैजुअल लुक। देन अगर ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो इसे आप हुडीज के साथ भी लेयर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर के हुडी के ऊपर इसे लेयर करके पहना है साथ में रिलैक्स फिट जीन्स एंड सम स्नीकर्स। बट ये साइज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अपने यूजुअल साइज से एक साइज स्मॉल में ही ऑर्डर करना, क्योंकि जो यूजुअल साइज होते हैं वो काफ़ी बैगी होते हैं, उन्हें पेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट शर्ट जिसे आप लेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो वो है यूटिलिटी शर्ट्स। इनका जो मटेरियल होता है वो थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, दोनों तरफ पॉकेट्स होते हैं एंड ये सिर्फ विंटर्स एंड फॉल सीजन में पहनने के लिए ही होते हैं। कुछ ब्रांड गाइस इसे टेलर शर्ट्स भी कहते हैं एंड शर्ट जैकेट भी इसे कहा जाता है। बेसिकली इनका जो थिक फैब्रिक है उसकी वजह से ही ये लेयरिंग में अच्छा दिखता है एंड इनमें सिर्फ न्यूट्रल कलर्स ही अच्छे दिखते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं। फंकी कलर्स इसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखते, मोस्टली अवेलेबल भी नहीं होते। तो गाइस अगर आपको ठंड से भी बचना है एंड क्लासी भी दिखना है डेफिनेटली कंसिडर दीज टाइप ऑफ जैकेट्स, क्योंकि इसे आप मैक्सिमम चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हो एंड ये काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं। ये जो पर्टिकुलर पीस है इट्स फ्रॉम द ब्रांड सिलेक्टेड, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है इसकी जिसके ऊपर एक टेक्सचर ऐड किया गया है। सो अगर आप क्वालिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो डेफिनेटली कंसिडर दिस पीस, बट इट्स अ बिट कॉस्टली। बजट में भी मुझे कुछ ऑप्शंस मिले थे बट ऑनेस्टली मुझे उनका कुछ आइडिया नहीं है, वो थिकनेस कैसे है उनका देन स्टाइलिंग में कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ देन कॉमेंट कर देना नीचे, मैं ज़रूर से बना दूंगा। इन्हें गाइस आप टी शर्ट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो एंड शर्ट्स के साथ भी, जैसे मैंने यहाँ पे इसे एक ऑलिव चेक शर्ट के ऊपर जैकेट की तरह पेयर करके पहना है एंड साथ में मैंने पहने हैं ब्लैक कलर के स्लिम फिट वाले कार्गो ट्राउजर्स एंड सम मिड टॉप स्नीकर्स।
नेक्स्ट लेयरिंग ऑप्शन है ओवरशर्ट्स। गाइस इसे आप फ्लैनल्स का ही एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो। इसमें आपको जिपर एंड बटन्स दोनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड ये मेनली थिकर एंड वार्मर मटेरियल से बनाए जाते हैं। गाइस जो अच्छी क्वालिटी एंड अफोर्डेबल ओवरशर्ट्स होते हैं वो आपको सिर्फ मिलेंगे H&M पे, बट वहाँ पे साइज का थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा सा वेल फिटेड लुक चाहिए, अपने यूजुअल साइज से एक साइज स्मॉल ऑर्डर करना, एंड अगर आपको थोड़ा सा बैगी लुक पसंद है देन गो विथ योर रेगुलर साइज। देन गाइस इसे आप डिफरेंट तरीकों से स्टाइल कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हो। नॉर्मली आप इसे एक सिंपल टी शर्ट के साथ पेयर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा दिखेगा। देन इसे आप एक हुडी के साथ पेयर कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। एंड इसे आप एक पुलओवर के साथ भी पेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वाइट पुलओवर के साथ इसे पेयर किया है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देन गाइस अगला जो शर्ट है उसे मेनली आप फॉल के सीजन में ही लेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो। समर्स के लिए भी ये सुइटेबल है बट नॉट फॉर विंटर्स। इट्स ए हाफ स्लीव प्रिंटेड शर्ट विथ ए क्यूबन कॉलर जो कि रिलैक्स फिट में है। रिलैक्स फिट वाले जितने भी हाफ स्लीव शर्ट्स होते हैं गाइस वो लेयरिंग में काफ़ी अच्छा दिखते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो देन जो क्यूबन कॉलर वाले शर्ट्स होते हैं उन्हें अवॉइड करो। आप स्प्रेड कॉलर वाले शर्ट्स ट्राई कर सकते हो, वो बहुत अच्छे दिखेंगे। पर्टिकुलरली गाइस जो फ्लोरल प्रिंट वाले जो जितने भी शर्ट्स होते हैं वो पतझड़ के मौसम में काफ़ी सुंदर दिखते हैं। इसे आप विदाउट लेयरिंग भी पहन सकते हो, इसके ऊपर कोई जैकेट वगैरह ऐड कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। गाइस ये जो पर्टिकुलर पीस है ये जिस ब्रांड से है उस ब्रांड के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट एंड कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं कुछ पर्सनल फेवरेट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक देम आउट। सो गाइस दैट्स ऑल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा लेयरिंग ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल।